सबसे पहले आप इस बलून बोट के चलने का आनंद लें, कैसे फटफट करती हुई ये आगे पानी में जाती है और जब गुब्बारे में हवा खत्म हो जाती है तो नाव बंद हो जाती है। इस बलून बोट को बनाने के लिए आपको एक स्टायरोफोम का टुकड़ा, एक अच्छी क्वालिटी का गुब्बारा, रबर बैंड, एक मुड़ने वाली स्ट्रॉ, थोड़ा गोंद और एक रबर का ट्राइंगल चाहिए होगा। सबसे पहले नाव की आउटलाइन को आप थर्मोकोल पर बनाएं और उसके बाद में एक कटर से आउटलाइन को काट दें। एक हल्का सा ढलान वाला खांचा भी बनाएं जिसमें कि स्ट्रॉ बैठ सके। उसके बाद में एक तिकोना रबर का हिस्सा लें, उस पर फेविकॉल गोंद लगा करके उसको स्टायरोफोम वाली नाव के ऊपर चिपका दें। इसका जो ढलान वाला हिस्सा है रबर का, उसके ऊपर हमारी स्ट्रॉ का छोटा हिस्सा टिकेगा। उसके बाद में गुब्बारे को स्ट्रॉ के छोटे वाले सिरे के ऊपर एक रबर बैंड से फंसा दें। इसी गुब्बारे के अंदर हवा भरेगी और जब हवा बाहर निकलेगी तो हमारी नाव आगे बढ़ेगी। अब ये लीजिए, स्ट्रॉ के छोटे वाले हिस्से को आप रबर वाले ढलान के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर टिका दें और स्ट्रॉ को टेप कर दें स्टायरोफोम की नाव के साथ में। अब लगभग हमारी नाव तैयार है। आप इसका निचला हिस्सा देख सकते हैं, इसका ऊपरा हिस्सा देख सकते हैं। उसके बाद में आप स्ट्रॉ में फूंकें जिससे कि गुब्बारा पूरी तरह से हवा से भर जाए और स्ट्रॉ के का जो अंतिम छोर है, सिरा है, उसको आप अंगूठे से बंद करके और उसको पानी से भरे एक टब में रख दें। हवा बाहर निकलेगी और फट फट करती हुई आपकी नाव आगे जाएगी। ये न्यूटन के तीसरे नियम का भी सत्यापन है कि दैट एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बहुत मज़ेदार खिलौना भी है और विज्ञान का प्रयोग तो है ही।